हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क से कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनको जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उनसे सॉल्व करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। तो हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे इनके आधार पे आप बहुत सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग ए वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, बट ही ओनली वर्क्स एट दिस रेट फॉर 20 डेज। मतलब कह रहे हैं कि शुरुआत में एक ऐसे काम कर रहा है कि वो किसी काम को, जो एक काम है उसको वो 32 दिन में ख़त्म कर सकता है, इस रेट से काम कर रहा है, ये उसकी रफ्तार है। लेकिन कह रहे हैं कि बट ही ओनली वर्क्स एट दिस रेट फॉर 20 डेज की, लेकिन वो इस रफ्तार से केवल 20 दिन ही काम करता है। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर दैट ही वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन डू द होल वर्क इन 24 डेज। कह रहे हैं कि उसके बाद वो अपने काम की रफ्तार को क्या करता है, बढ़ा देता है और इतना कर देता है कि वो पूरे काम को, जितना बचा हुआ काम है उसको नहीं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे वरना कन्फ्यूज़ रहेंगे कि अब उसकी रफ्तार कितनी है, कि अब अगर वो शुरुआत से ही काम करना शुरू करे तब वो काम को केवल 24 डेज में ख़त्म कर सकता है। लिखा हुआ, इफ़ ए इज़ टू फिनिश द वर्क एट ए स्ट्रेच, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश दिस वर्क। कह रहे हैं कि अगर ए को ये काम लगातार ही करना है या एक बारगी में ही करना है, बीच में कहीं कुछ आपको रुकना वगैरह नहीं है या फिर किसी और को नहीं आना है, तो बताइए ए को ये पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो बेसिक सी बात इतनी है कि यहाँ पे जो ए की रफ्तार है वो कोई एक फिक्स नहीं है, उसकी जो इफ़िशियंसी है उसको ब्रेक किया गया है। पहले वो शुरुआत में इस रफ्तार से काम करता है कि 32 दिन में काम को ख़त्म कर दे, लेकिन 20 दिन काम करने के बाद वो अपना जो रेट है उसको बदलता है और फिर उस रफ्तार से काम करता है कि वो 24 दिन में ही इस काम को ख़त्म कर सकता है। तो अब आपको बताना है कि ए शुरुआत से काम करना शुरू करे और इन दोनों रफ्तार के अनुसार वो उस काम को, जो एक काम है जो अभी हम निकालेंगे कि क्या काम है, उसको कितना समय लगेगा इस पूरे काम को ख़त्म करने में। तो क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे कि काम है कितना। तो काम कैसे निकलेगा कि शुरुआत का जो इफ़िशियंसी है ए की कि कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है, बाद में जो बदल जाता है उन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। ये 24 है, ये क्या है 32 है, तो 24 और 32 का हम लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, तो इसको आप निकाल सकते हैं कितना आ सकता है 96। ठीक है, तो ये आ गया मान लेते हैं हम टोटल वर्क है कितना 96। तो हम ये देखें कि अगर ए शुरुआत में जो काम कर रहा था वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था, तो ए यहाँ पे आई लिख दो, मतलब कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है, वो कितना काम कर रहा था एक दिन में, तो उसका जो वर्क रेट था 32 दिन में पूरा कर रहा था, काम कितना है 96, तो 96 को 32 में से भाग देंगे तो आएगा कितना 3 यूनिट। मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा था 3 यूनिट का, बाद में ए आखिरी में कह सकते हैं एंड में फिर उसने जो बदल दिया वो रेट क्या था, तो वो था 24 दिन का। तो इस रेट के हिसाब से अब ए एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, तो 96 में से 24 को भाग दीजिए कितना जाएगा 4 यूनिट का। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ए का जो वर्क है मतलब रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि इस रेट से वो केवल कितने दिन काम करता है 20 दिन। तो हम निकाल लेते हैं टोटल कितना काम खत्म कर लिया होगा इन्हें, तो हम 3 में गुणा किससे कर दें 20 से, तो कितना काम आ जाएगा 20 × 60 आ गया 60 यूनिट का काम तो उसने इस रफ्तार से किया होगा। बचा कितना काम, तो 96 में से 60 यूनिट घटाइए कितना बचता है 36 यूनिट, और वो 36 यूनिट का काम वो कितने रफ्तार से करता है 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, तो कितना दिन लगेगा इसको ख़त्म करने में 4 × 36 कितना गया 9 डेज। तो आपको निकालना क्या था कि टोटल कितना समय लगा होगा अगर वो लगातार काम कर रहा होगा, तो ये तो आपको पता चल गया 20 दिन तो यहाँ उसको लगा और 9 दिन यहाँ उसको लगा, तो 20 + 9 दोनों को ऐड करिए क्या जाएगा 29 डेज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा है डी वाला 29 डेज। तो बस क्वेश्चन अगर आप समझिए, जो लोग बीच में जो इसके शब्द हैं उनमें अगर फंस गए तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अप्रोच हमारा वही है, बस क्वेश्चन को हमको समझना है कि क्या पूछ रहा है और किन किन चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पाइप एंड सिस्टम से है, वो भी टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है। लिखा हुआ है, देर आर 16 पाइप्स
दैट आर कनेक्टेड टू अ टैंक. सोलर पाइप्स हैं जो किसी टैंक से कनेक्टेड हैं. सम ऑफ देम आर यूज टू फिल द टैंक एंड द अदर टू ड्रेन. कि कुछ पाइप्स हैं जो टैंक को फिल करने का काम कर रही हैं और कुछ पाइप्स हैं जो टैंक को खाली करने का काम कर रही हैं. लिखा हुआ ईच ऑफ द फिल पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स. कि जितनी फिल पाइप्स हैं मतलब जो टैंक को भरने का काम कर रही हैं, हर एक पाइप उस पूरे टैंक को खाली से पूरा भरने में 12 घंटे का समय ले रही है. सारी पाइपें नहीं, हर एक पाइप, ठीक है. एंड ईच ऑफ द ड्रेन पाइप कैन ड्रेन द टैंक कम्प्लीटली इन 8 आवर्स. कि सारी की सारी जो ड्रेन पाइपें हैं वो हर एक पाइप जो है 8 घंटे में उस पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देते हैं. कितने में? 8 घंटे में. लिखा हुआ इफ ऑल द पाइप्स एंड ड्रेन पाइप्स आर केप्ट ओपन एन एम्प्टी टैंक गेट्स फिल्ड इन 12 आवर्स. हाउ मैनी ऑफ द 16 पाइप्स आर फिल पाइप्स. कह रहे हैं कि अगर हम सारी पाइपों को खोल दें, जितनी 16 पाइपें थी सबको खोल दें, जो भरने वाली है वो भर रही है, जो खाली करने वाली है वो खाली कर रही है, ऐसा करेंगे तो कह रहे हैं कि 12 घंटे में एक एम्प्टी टैंक मतलब खाली टैंक पूरा भर जा रहा है. तो आपको बताना है कि कितने 16 में से कितनी पाइपें ऐसी हैं जो फिल पाइप्स मतलब जो टैंक को भरने का काम कर रही हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहली बात तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि टैंक को भरने में हर एक पाइप को 12 घंटे लग रहा है जबकि खाली करने में तो कम लग रहा है, तो ये टैंक भर कैसे रहा है? इसको तो खाली होना चाहिए था, भर तो सकता नहीं है. तो ये आप समझिए कि हर एक पाइप का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, तो इस हिसाब से आपको इतना आइडिया तो मिल ही जाएगा कि यहाँ पे जो टैंक को भरने वाली पाइप्स हैं वो ज़्यादा होंगी तभी टैंक भर सकता है, क्योंकि जो खाली करने वाली पाइप है उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब वो अच्छे हैं एफिशिएंसी में, वो काम ज़्यादा कर रहे हैं. तो उनके काम को बैलेंस करने के लिए या फिर उनको सुपरसीड करने के लिए जो फिल पाइप्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये टैंक फिल होगा, वरना तो टैंक कभी फिल हो ही नहीं सकता. तो पहला तरीका इसका हम देखते हैं. पहला तरीका तो ऐसे ही हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फिल पाइप्स हैं, ठीक है, जो फिल पाइप्स हैं उनकी संख्या एक्स है, तो जो ड्रेन पाइप्स होंगी वो कितनी होंगी? 16 माइनस एक्स होंगी. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है. दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हर एक जो फिल पाइप है वो 12 घंटे में भर रही है, ठीक है, और कह रहे हैं कि जितनी ड्रेन पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर रही हैं, और दोनों को मतलब दोनों तरह की पाइपों को ओपन करा जा रहा है, तो 12 घंटे में ये टैंक भर जा रहा है. तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच इसका ट्राई करें और उससे देखें तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो एफिशिएंसी है, ये जो एफिशिएंसी है, दोनों को घटा रहे हैं तो ये टैंक 12 घंटे में भर जा रहा है, मतलब भर रहा है और खाली हो रहा है, और ये काम होते होते टैंक 12 घंटे में पूरा भर जा रहा है. तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक्स पाइप हैं, सारी पाइपें कितना यहाँ पे टाइम लेती हैं टैंक को भरने का? 12 घंटे. तो हम एक्स बाई 12 लिख लें. माइनस करें, क्यों? क्योंकि ड्रेन पाइप्स हैं इसलिए. तो ये हो जाएगा, बाकी की ड्रेन पाइप क्या है? 16 माइनस एक्स हैं, और इसको कितना समय लग रहा है? 8 घंटा, मतलब हर एक पाइप को. बराबर में इस पूरा जो टैंक है इसको भरने में कितना समय लग रहा है? 12 घंटे का. तो इसको भी हमने 1/12 लिख. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जिससे आप टाइम एनवर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालें, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा. 12 × 2 = 24, ये क्या हो गया? 2x माइनस में 8 × 3 = 24, तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा. प्लस में कितना हो जाएगा? 3x प्लस. समझ रहे ना कैसे हुआ? ये माइनस तो प्लस हो गया. बराबर में क्या हो गया? 1/12. 12 × 2 कितना हो गया? 24. 2 इधर चला जाएगा, ये 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x. और यहाँ पे माइनस जो 48 है वो भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. इस दो में तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा. 5 × 50 हो गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10. तो हमको निकालना क्या था? नंबर ऑफ फिल पाइप्स. तो कितने आ गए? 10, क्योंकि फिल पाइप्स हमने मान रखे हैं कितने हैं? 10. तो डी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया. अगर पूछता ड्रेन पाइप्स कितने हैं तो 16 माइनस एक्स कर देते तो ड्रेन पाइप्स आपको आ जाते 6. ठीक है, तो यहाँ से आपको केवल फिल पाइप्स निकालने थे तो उसका डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अप्रोच भी इसका हो सकता है एलसीएम मेथड से, जो कि हमने अभी तक सीखा है, तो उससे भी हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? वही करना है कि 12 घंटे और 8 घंटे जो है इनका आप एलसीएम निकालिए कितना जाता है? 24 घंटे. ठीक है, मतलब हम निकाल लेते हैं कि आपका टोटल वर्क है 24 यूनिट का. घंटे क्या? 24 यूनिट का टोटल वर्क हो गया. तो जो ड्रेन पाइप है और फिल पाइप है उनकी इफिशियंसी अगर हम निकालें तो यहाँ पे हर एक पाइप हर एक घंटे में कितने यूनिट का पानी भर रहा होगा, तो हमको ये पता चलता है जो फिल पाइप्स है, हर एक पाइप के लिए बात हो रही है, 2 यूनिट ये पानी भर रहा होगा. और ड्रेन पाइप कितना पानी निकाल रहा होगा? तो ये कितना निकाल रहा होगा? 3 यूनिट. कैसे आ रहा है? आपको पता है 24 को 8 से भाग दिया, 24 को 12 से भाग दिया, तो ये 2 और 3 यूनिट आ गए हैं. ठीक है, तो ये हमको पता यहाँ से चलता है कि पानी हर एक घंटे में अगर एक पाइप के हिसाब से देखिए तो केवल 2 यूनिट जा रहा है,
जबकि 3 यूनिट निकल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो टैंक तो कभी फिल हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो फिल करने वाले पाइप्स हैं उनकी संख्या ड्रेन करने वाले पाइप्स हैं उनसे अधिक है। ठीक है, तो इससे आपको यही समझ में आएगा कि फिल करने वाले पाइप हमेशा ड्रेन से अधिक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखिए तो आपको ऑप्शन में भी सारे जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा ही मिले, जैसे 11 अगर फिल हो गए क्योंकि फिल वाला ही आंसर दिया गया है तो 5 ड्रेन के हो जाएंगे, 12 हो गए तो 4 ड्रेन के हो जाएंगे, 13 हो गया तो 3 ड्रेन का हो जाएगा। तो इस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ से आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो समझिएगा कि आपको पता है अगर आप ऑप्शन से चेक करिए, ठीक है, आपको पता है ये 24 मिनट का काम होना है और 11 अगर हम पहला ऑप्शन लेकर के चेक करें तो 11 दुनी कितना हो जाएगा 22 यूनिट और यहाँ पे फिर दूसरा जो ड्रेन पाइप होंगे वो कितने होंगे 16 हैं टोटल। तो 16 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 5 × 3 = 15 आ जाएगा। अगर इन दोनों को घटाइए तो ये आपको मिलता है 7 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखिए 12 घंटे में टैंक फुल हुआ है तो 12 × 7 इसको कितना टाइम 12 × 7 = 84 हो जाएगा। हमको पता है वर्क कितना है केवल 24 मिनट का करना है और ये तो 84 यूनिट 12 घंटे में भर देगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को इसी तरह चेक करिए तो 12 × 2 = 24 यूनिट हो जाएगा, माइनस में बचा क्या 4, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, कितना आ गया 12 यूनिट। ध्यान रखिएगा 12 यूनिट ये आया है हर एक घंटे जो पानी भरा जा रहा है और ये टैंक 12 घंटे में भरा है तो 12 × 12 अगर करेंगे तो ये तो 144 हो गया। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि 11 जब नहीं हो पाया तो 12 कहाँ से होगा और 12 नहीं हो पाया तो 13 कहाँ से होगा, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही कट जाते हैं। फिर 10 वाले को अगर यहाँ पे रखिए तो 10 × 2 = 20 हो जाता है, फिर बचता कितना है 6 बचता है ड्रेन, तो 6 × 3 = 18 ये करेंगे तो कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। हर एक घंटे कितना भर रहा है 2 यूनिट और 12 घंटे में टैंक फिल हो रहा है तो 12 × 2 कितना गया 24 यूनिट। देखिए 24 यूनिट और टोटल काम भी कितना है 24 यूनिट मैच कर गया। डी वाला ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और कुछ यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ई वाले ऑप्शन को भी अगर आप चेक करके देख सकते हैं जो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन दिया गया 9 × 2 = 18 हो गया, माइनस में बचा कितना 7 बचा, 7 × 7 = 3 कितना हो गया 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी तो भरेगा नहीं बल्कि खाली ही होता रहेगा। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डी वाला ऑप्शन आप कैसे आसानी से टिक कर सकते थे अगर थोड़ा सा अप्रोच को बदल देते तो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। सी जो है वो ए की तुलना में 40% कम एफिशिएंट है। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज। बी और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, कि कितने दिनों में ए अकेला उस काम को ख़त्म कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो हमको ये पता है कि बी और सी पहला क्या लिखा गया, नहीं पहला है ए और बी, ए और बी इस काम को करते हैं 10 दिनों में, तो बी और सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि इनका टोटल वर्क आ कितना रहा है। तो आप टोटल वर्क दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा 30 यूनिट। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहे हैं 3 यूनिट का, बी और सी एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहे हैं 2 यूनिट का। ठीक है, और दूसरा आपको क्या पता है, एक बात और पता है कि जो ए और सी है उनके बीच में क्या यहाँ पर रिलेशनशिप दी गई कि सी ए से 40% कम एफिशिएंट है। तो इसको आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ए बाई सी, अगर इस तरह मैं लिखूँ तो ए अगर 100% है तो सी क्या होगा, तो सी कितना होगा 60% होगा 40 कम। तो अगर इसको आप काटिए तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 20 × 3 = 60, 5/3 हो गया। तो आपको निकालना क्या है कि ए कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सी के यहाँ पे सी का निकाल लीजिए एफिशिएंसी और उस एफिशिएंसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ए और बी में आपको 2 इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है और आपको पता है टोटल वर्क कितना है, डिवाइड करेंगे आपको सिंपली आंसर मिल जाना है। तो वही चलिए करके देखते हैं। अगर हम देखें सी के टर्म में एफिशिएंसी तो सी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 ए के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। सी की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए इस दूसरे वाले इक्वेशन में, तो ये दूसरा वाला इक्वेशन कुछ हो जाएगा बी प्लस 3/5 ए बराबर में 2। 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 5 बी प्लस 3 ए और ये 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10।
अब यहाँ भी देखिए ए और बी में इक्वेशन है, यहाँ भी ए और बी में इक्वेशन है, आपको पता है ए को रखना है तो बी वाले टर्म को इक्वल कर दीजिए, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5a प्लस 5b इज इक्वल टू ये कितना हो गया 15। अब दोनों को आप कर लीजिए क्या, माइनस, माइनस कर लिया, बी से बी कट गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो ये माइनस 2a हो गया और ये कितना हो गया माइनस में 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/2। ये किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू आई। अब a की ये एफिशिएंसी है कि a एक दिन में इतने यूनिट का काम कर सकता है, टोटल वर्क है कितना 30, डिवाइड कर लीजिए 30/5/2 रखेंगे तो 5 तो यहाँ पे रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 × 30 = 12 कितना गया 12 डेज, ये आपको आंसर सिंपली मिल जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है कि ए को अगर काम करना हो तो 12 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। अब अगर ए की इफिशियंसी आ गई, सी के बारे में कोई आंकड़ा पूछा गया होता तो ए की इफिशियंसी को आप यहाँ पे पुट करते तो आपको सी की इफिशियंसी पता चल जाती, फिर सी को आप डिवाइड कर देते 30 में से तो आप निकाल सकते थे कि सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो इस तरीके से आप दोनों ही वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ेंगे समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वैभव स्टार्ट्स टू टाइप अ डॉक्यूमेंट ऑन वन डे, कि वैभव किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करना स्टार्ट करता है पहले दिन। ऑन द सेकेंड डे टू मोर फ्रेंड्स ऑफ वैभव ज्वाइन हिम, कि दूसरे दिन दो और लोग वैभव के फ्रेंड जो हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब टाइप करने में। ऑन द थर्ड डे थ्री मोर फ्रेंड्स ऑफ हिम ज्वाइंस हिम, कि तीसरे दिन 3 और उसके दोस्त ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह काम चलता रहता है, मतलब हर एक दिन उतने ही लोग और आ जा रहे हैं। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज कम्प्लीटली टाइप्ड दिस वे इन एग्जैक्टली 24 days, कि इसी तरह होते होते जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल 24 days में टाइप हो जाता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 13 girls टाइपिंग टुगेदर कैन टाइप द डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली, गिवन दैट एवरी गर्ल कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज वैभव एंड हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखा है बॉयज, मतलब कि अब आपको फाइंड करना है कि 13 लड़कियां एक साथ टाइप करें अगर उस डॉक्यूमेंट को तो कितने दिन में उस डॉक्यूमेंट को वो टाइप कर लेंगी। अगर यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि हर एक गर्ल वैभव और उसके दोस्त की तुलना में दुगना फास्ट टाइप कर रही है तो, और यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे लिखा गया है बॉयज, मतलब वैभव और उसके जो भी फ्रेंड होंगे सारे के सारे क्या होंगे, बॉयज ही होंगे। लिखा गया एज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ वैभव एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर सेम, कि जो एफिशिएंसी है वैभव की और उनके उसके सारे दोस्तों की वो क्या है, सेम है, तो ये आपको एज्यूम करके चलना है। तो ये जो क्वेश्चन है कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस एक सीरीज की बात है, अगर वो आपको पता है सीरीज की उसका सम क्या होता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि पहले दिन मतलब जो काम की शुरुआत है वो वैभव करता है, तो वैभव अकेला व्यक्ति है। दूसरे दिन वैभव तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ वैभव के साथ साथ दो लोग और आ गए, मतलब दो उसके फ्रेंड और आ गए दूसरे दिन। तीसरे दिन वैभव और उसके दो दोस्त तो काम कर ही रहे थे, तीसरे दिन 3 लोग और आ गए, और ये जो इस सीरीज है ये चलती गई कब तक, जब तक ये 24 दिन नहीं हो गए, मतलब 24 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट जब कम्प्लीटली टाइप हो गया तब ये सीरीज जाके रुकती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये 1+2+3 ऐसे होते होते सबसे आखिरी में 24 लोग ये ज्वाइन किए होंगे, तो ये सीरीज है। अगर इस सीरीज के हिसाब से हम चलें तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। हमको करना क्या है, हमको केवल मान लेना है कि वैभव और उसके जो फ्रेंड हैं, या फिर कह लीजिए वैभव की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट की है, ठीक है, एक दिन में मान लीजिए वैभव 1 यूनिट का काम कर रहा है, तो इस हिसाब से हमको ये पता है 24 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, तो हम ये निकाल लें कि टोटल आखिर कितने यूनिट का काम वैभव और उसके दोस्तों ने मिलकर किया होगा। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कहें 1 है प्लस दूसरे दिन 2 लोग और आए होंगे तो कितने यूनिट का काम होगा, 3 यूनिट का, तीसरे दिन 2, 3 और ये कितना हो गया, 6 यूनिट का, चौथे दिन यहाँ पे +4 हो जाएगा तो 6×4 = 10 यूनिट, और इस तरह होते 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 आखिरी में जा करके आपको पता चलेगा कि 24वें दिन जा करके ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे कितने यूनिट का काम हो रहा है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कितना काम हुआ है, तो ये काम तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, गलतियाँ होने की चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इस तरह की अगर सीरीज हो जिसमें ये 1 हो, फिर 1+2 हो, फिर 1+2+3 हो, चौथे टर्म में 1+2+3+4 हो, इस तरह की जो सीरीज होती है उसका सम क्या होता है, उसका सम होता है n, n+1, n+2 /
छः, ये इसका क्या होता है सम, इस तरह की सीरीज का सम होता है। एन यहाँ पे क्या है, ये जो आखिरी नंबर जैसे यहाँ पे 24 दिया गया है उसको डिनोट कर रहा है। कई जगह पे इस सीरीज को थोड़ा इस तरीके से भी लिखा जाता है एन एन प्लस वन और टू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई 12। बात वही है, यहाँ का 2 कॉमन लेकर के काट दिया है, लेकिन इस तरह से भी इस सम को लिखा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन बड़े चुटकियों का है, अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमको बस क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 24। तो हम यहाँ पे रखें 24, ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, गुणे में 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6, 6 चौको कितना हो गया 24, 25 चौके 100 और यहाँ पे आप गुणा करेंगे 26 में तो कितना गया 2600। तो ये हमको क्या पता चल गया, 2600 यूनिट का टोटल काम वैभव और उसके दोस्तों ने मिलके किया हुआ है। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे कितनी लड़कियाँ काम कर रही हैं, 13 लड़कियाँ, और हर एक लड़की की जो स्पीड है वो ट्वाइस है। जैसे ये एक यूनिट का काम कर रहे थे तो अब हर एक लड़की कितने यूनिट का काम कर रही है, 2 यूनिट का काम कर रही है। और कितनी लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ हैं 13, लेकिन हर एक लड़की काम कितना कर रही है, 2 यूनिट का। तो हर एक लड़की एक दिन में कितना काम कर रही होगी, 13 गुणे में 2 कितना आ जाएगा 26 यूनिट। तो 26 यूनिट का काम अगर ये एक दिन में कर रही हैं तो 2600 यूनिट का काम कितने दिन में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2600 डिवाइडेड बाय 26 काट दीजिए कितना गया 100 डेज, कि 100 दिनों में ये पूरा डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया इसका, सी वाला आंसर सही हो गया। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे, देख करके भाग जाएंगे। बस सीरीज अगर आपको पता होगी तो बड़े आसानी से उस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है बी इज 4/3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज ए, कि बी जो है वो ए की तुलना में 4/3 टाइम्स इफिशियंट है। ठीक है, लिखा हुआ इफ ए कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ गिवन टास्क इन 15 डेज, कि ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो लिखा हुआ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम टास्क वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ बी वर्क्स ऑन इनडिपेंडेंटली फॉर 10 डेज ओनली। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ए 5/8 काम उसका 15 दिन में कर सकता है, तो आपको ये बताना है कि अगर बी स्वतंत्र रूप से 10 दिनों तक काम करे तो कितना फ्रैक्शन काम का इनकम्प्लीट रहेगा। आपको क्या निकालना है कि बी अगर 10 दिनों तक काम करे तो कितना भाग अभी काम करना बाकी रहेगा, इसमें आपको बस इतना निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, करना हमको पता है, हमको पता है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, 5/8 जो हिस्सा है काम का वो 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 5/8 जो काम है वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ए पूरा काम कितने दिनों में उसको कर सकता होगा। ठीक है, अभी तो ये पता है कि ये काम 15 दिनों में कर रहा है, तो अगर हम निकालना चाहें कि पूरा काम कितने दिनों में कर रहा होगा, तो क्या करना होगा, 15 गुणे में 8/5, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24, मतलब ए को पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 डेज का। और दूसरी बात, हमको क्या पता है कि बी जो है वो ए से एफिशिएंट है, कितना, 4/3 टाइम्स, मतलब बी ए की तुलना में काम को जल्दी कर रहा होगा, कितना, 4/3 टाइम्स। तो हम निकाल लें बी कितना काम, बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए का पता है कितना है, 24 दिन, गुणे में क्या करेंगे, 3/4, 4 × 24 कितना गया, 6 × 18 दिन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये। तो ये आपको मिल गया बी का एफिशिएंसी, या बी कितने दिन में काम कर सकता है, 18 दिन में, ए कितने दिन में काम कर सकता है, 24 दिन में। अगर आप यहाँ से चाहें इन दोनों से, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना जाएगा, 72, दोनों का एलसीएम। ठीक है, कितना गया, 72 यूनिट। तो हमको ये पता है यहाँ से कि हम कि बी को कितना काम करना है, तो हम निकाल लें बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 72 में से 18 को भाग देंगे कितना आएगा, 4 यूनिट का। और ये पता है कि बी कितने दिनों तक काम कर रहा है, 10 डेज तक, तो गुणे में क्या करेंगे, 10, कितना आ जाएगा, 40 यूनिट का काम कर लेगा बी, कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, तो पता है कि काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा, 72 में से 40 घटाइए, रिमेनिंग जो वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 32 यूनिट। लेकिन हमको निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए बटे में 72। अब इसको काट लीजिए, 8 से काटिए, 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 72, कितना काम बाकी रह गया, 4/9 हिस्सा इस काम का
बाकी रह जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे जब आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ए कुछ दिन तक काम कर रहा है, मतलब ए 5/8 हिस्सा कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद भी 10 दिनों तक काम कर रहा है, फिर जो काम रिमेनिंग है वो निकालना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइन पढ़िए, इफ बी वर्क्स ऑन इट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अगर काम करे, मतलब ए अब काम नहीं कर रहा है, ए का 5/8 हिस्सा तो सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि आप 24 डेज निकालें। जो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे कि 5/8 दिया गया है 15 दिन में, तो पूरा कितना कैसे निकालेंगे कि ये कितने दिन में काम कर सकता है, उनके लिए तो क्वेश्चन था ही नहीं। अगर आप इतना निकाल लिए थे तब आपके लिए क्वेश्चन था, फिर आप बी के लिए भी निकाल सकते हैं कि बी कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है, और बी का ही केवल यहाँ पर मतलब था, ए का फिर लेना देना नहीं था। निकाल लिया कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, 10 दिन तक काम करेगा तो 40 यूनिट होगा, कितने यूनिट का काम बचेगा, 32 यूनिट का। लेकिन फ्रैक्शन में अगर हमको देखना हो कितना फ्रैक्शन में काम रह जाएगा, तो जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/9 हिस्सा जो काम का है वो बाकी रह जाएगा अगर बी केवल 10 दिनों तक काम करता है। तो बस इतना ही निकालना है और कुछ नहीं। इसके आगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बी 10 दिन तक काम करा, उसके बाद फिर ए आ जाए, तो अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बताया हुआ काम कितना था, 32 यूनिट का था, तो हम ए की इफिशियंसी निकालते, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो यह आ जाता 3 यूनिट। फिर हम इसको भाग देते, किससे, 32 को 3 से भाग देते, 10 बार तो पूरा चला जाता, फिर उसके बाद जाता, फिर टोटल डेज, इससे क्वेश्चन आ सकते थे कितने दिन लगते और बी को, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन ये तो आगे की बात थी, आपको केवल 4/9 तक आंसर करना था। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आए होंगे और कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लेंथ को मत देखिएगा, क्वेश्चन का अप्रोच आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो टाइम वर्क का क्वेश्चन हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन हो। फिर भी इसके बाद अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल करके पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो मुझे मेल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।